कई साल से ये मांगे हम लोग कर रहे हैं। एक कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या करता है क्योंकि उसके खेती माल को सही दाम नहीं मिल रहे, तो सही दाम मिलना चाहिए खर्चा पर आधारित। और सरकार ने ये मान लिया था कि डेढ़ गुना भाव हम देंगे, लेकिन डेढ़ गुना भाव डिक्लेयर किया, अभी किसानों को वो अभी कहाँ मिलता है अभी पता नहीं, डिक्लेयर किया। इसलिए किसानों को खर्चा पर आधारित डेढ़ गुना भाव मिलना चाहिए। ये जो मांग को लेकर सरकार ने तो जाहिर किया डेढ़ गुना, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है, फिर से चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात है। दूसरा है कि जैसे ये दाम नहीं मिलते, इसका कारण ये है कि ये कृषि मूल्य आयोग जो है उनको स्वायत्तता देनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ये हमारी मांग थी। भारत का जो कृषि मूल्य आयोग है वो सब काट छाट करते हैं, 50%, 51%, 52% काट छाट करते हैं। तो इसलिए वो जो कृषि मूल्य आयोग है केंद्र में, उसका सरकार का कंट्रोल निकालना चाहिए। और चुनाव आयोग है, ऐसे किसान आयोग को स्वतंत्र दर्जा देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, स्वायत्तता। और ऐसे आयोग में भारत के 2-3-4 ये अनुभवी किसान है वो उसको आयोग पर लेना चाहिए, तब किसान के प्रश्न छूट सकेंगे। मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी फडणवीस और केंद्र सरकार के बीच में बात हुई थी, वहां पर अन्ना की जो जो भी मांगे थी उनको लेकर हमने एक आश्वासन दिया था। और लोकपाल लोकायुक्त को लेकर अन्ना की प्रमुख मांग थी, इस देश का अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो लोकपाल लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये अन्ना की प्रमुख मांग थी। तो जैसा उसको लेकर हम लोग बहुत आगे निकल गए। इसमें जो प्रक्रिया में 90% काम हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें जो एडवोकेट राव थे और अचानक उनका देहांत हो गया था, मेरी तन्ने थे कमेटी में, उनके जगह हमने एडवोकेट रोहतगी इनको अपॉइंट कर दिया है। इसके बाद में भी 27 सितंबर को जस्टिस रंजना देसाई इनके अध्यक्षता में 8 सदस्यों की चुनाव समिति जो रहती है उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो गई है। मुझे लगता है इसको लेकर लोकपाल लोकायुक्तों को लेकर 90% काम अभी पूरा हो चुका है और आगे की कार्रवाई भी अभी जल्द से जल्द होने वाली है। दूसरी अन्ना की मांग थी कृषि मूल्य आयोग, जो स्वामीनाथन आयोग है, कि किसानों को जो उनका लागत खर्चा है उससे डेढ़ गुना उनको भाव मिलना चाहिए उनके माल, उसको लेकर तो सरकार ने पहले निर्णय ले लिया है। 2 महीने पहले पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी ने ये भी घोषित कर दिया कि किसानों को अभी डेढ़ गुना भाव उनके माल को मिलेगा, तो वो भी उनकी प्रमुख मांग थी, वो भी पूरी हो चुकी है। और चुनाव को लेकर अन्ना जी की कुछ मांग थी, वो भी हमने चुनाव आयोग को भेज दी है, उसके बारे में हम उससे पूछेंगे, बाद में अन्ना जी को हम अवगत कराएंगे। मुझे लगता है GST के बारे में वापस उन्होंने एक मांग रखी थी कि जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, जो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, उससे पानी की भी बचत हो सकती है, क्रॉप भी बढ़ सकता है, उसको लेकर अन्ना जी ने कहा था कि इसके ऊपर 12% GST, पहले 18 था, हमने उसको हटाकर 12% कर दिया था। अभी अन्ना जी का कहना है कि वो 5% होना चाहिए, वो भी हमारी प्रमुख मांग है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल बात की अन्ना जी से, लिखित स्वरूप में भी उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाली GST की मीटिंग में हम इसको मीटिंग के सामने रखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये 5% तक नीचे ले आया जाए। मुझे लगता है अन्ना ने जो जो भी मांगे की थी वो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो प्रमुख मांगे थी वो भी पूरी हो चुकी है। और इसलिए हम अन्ना से आज निवेदन करेंगे, आज गांधी जयंती है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं अगर हमारी मांगे पूरे नहीं होती है तो मैं वापस उपोषण पे बैठूंगा, वापस अनशन पे बैठूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने भी कल बात की, परसों भी बात की थी, और खास मैं उसी बात के लिए आया हूँ। अन्ना से जैसे मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपका आंदोलन अब पीछे लें। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।